आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। यूपी के बांदा में सरकार की प्रमुख योजना लैपटॉप और स्मार्टफोन योजना की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें छात्राओं के मोबाइल में मैसेज आने के बावजूद उनका पात्र लिस्ट से नाम गायब होने पर छात्रों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। दर्जनों छात्राओं ने शिकायती पत्र ले डीएम से न्याय की मांग की है, साथ ही कॉलेज प्रबंधक पर बड़ा आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले को संज्ञान में लेकर CIOS को जांच के लिए निर्देश दिया है। अर्चना, क्यों आई हो? हम आए हैं स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। मैम ने स्मार्टफोन टैबलेट के लिए जो लिस्ट लगाई थी वो आधी लिस्ट लगाई है, एमए फाइनल थी, सीरियल वाइज सीरियल से नहीं लगाई गई। उन बच्चों को टैबलेट नहीं मिला। जो लड़कियां मैम के आगे आगे होती हैं उन बच्चों को दिया गया है, मुंह देख के दिया गया है। इस वजह से हम लोग डीएम के पास शिकायत ले रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भी उनको ही मिल रहा है। क्या कहा डीएम साहब ने? वो क्या है कि हम लोग जांच करके सारे बच्चों को बताएंगे। डिग्री कॉलेज की छात्राएं आई हैं, उन्हें आरोप है कि स्मार्टफोन टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा है। आपको उन्होंने प्राथमिकता तो दिया है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की कुछ छात्राएं आई हुई थी, जिनके द्वारा यह शिकायत की गई है कि उन्हें लैपटॉप और टैबलेट के वितरण सूची में उनका नाम है। प्रकरण को जांच कर कार्रवाई करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित किया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक से बात भी हुई है। वो उसकी जांच करके नियमानुसार यदि उन्हें देय होगा तो उसे दिलाएंगे। नहीं, मैसेज तो उनके मोबाइल में आया है सभी छात्र जो भी हो, क्योंकि ये मेरे पास जो है अभी दूसरे पक्ष का कोई कथन नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित प्रकरण की जांच हेतु निर्देशित किया गया है, जांच करके वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लथु प्रसाद पटेल।